मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक घर है एंड वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है या थोड़ा सा पुराना हो गया या अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा पेंट करवा देंगे या इसको थोड़ा सा रेनोवेट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि घर की रौनक भी बढ़ जाएगी एंड घर की दीवारें भी सज जाएंगी. बस वही चीज़ हमने यहाँ पर फोटोशूट में करनी है कि अगर आप किसी भी बॉडी टाइप में हैं, आप किसी भी बॉडी शेप में हैं, आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपनी खुद की रौनक को बढ़ाना है, यानी कि अपने लुक को आपने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है. तो उसके लिए मेरे पास है कुछ आपके लिए छोटे से टिप्स, जिसमें आपने सबसे पहले एक ब्लैक टी शर्ट को पहनना है, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है ना वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपकी जो बॉडी शेप है वो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट शेप में है. तो बस आपने एक ब्लैक टी शर्ट को पहन लेना है एंड उसके ऊपर आप कुछ एक्सेसरीज पहन सकते हैं, जैसे आप गले में चेन भी पहन सकते हैं. एंड टी शर्ट के ऊपर आपने एक शर्ट को पहनना है जिसके आगे से बटन्स आपने खुले रखने हैं, आप जैकेट भी पहन सकते हैं. एंड आपने जो आर्म्स है उसकी वो फोल्ड कर लेनी है एंड ऊपर से आपको एक गॉगल्स पहन लेनी है, यानी कि आपने अपनी रौनक को बढ़ा देना है, आपने अपनी लुक को इम्प्रोवाइज कर देना है. एंड आपने पोजेस कैसे बढ़िया बढ़िया देने हैं तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी. एंड हम स्टार्ट कर दें अपनी वीडियो. हमारा सबसे पहला पोज जिसका नाम है पबजी पोज, बहुत ही बढ़िया पोज है. आपने किसी ट्री के पास चले जाना है एंड ट्री के साथ में आपने ना अपने एक लेग को ऐसे फोल्ड करके, एक लेग को फोल्ड करके अपने ट्री के साथ लीन हो जाना है. एंड जो आपके हाथ में एक फोन होगा जिसमें आप पबजी गेम खेल रहे होंगे, आपने वही सोच के करना है कि अब जैसे सच में वो एक्साइटमेंट होती है ना, खुशी होती है जो पबजी खेलते वक्त होती है ना, बस वही एक्साइटमेंट आपने वो गेम खेलनी है फोन पे. एंड सामने से आपके एक फ्रेंड ने आपको आवाज मारी कि हाँ भाई क्या हाल है तेरा, तो बस वही चीज आप गेम खेल रहे हैं, आपने वही एक्साइटमेंट के साथ अपने दोस्त की तरफ देखा, तो वो वाले एक्सप्रेशन आपके होने चाहिए. एंड जो आपने कैमरा एंगल रखना है वो थोड़ा सा अपने कैमरा को टिल्ट कर देना है, यानी कि डच एंगल जिसको हम कहते हैं. थोड़ा सा कैमरा को टिल्ट करके इस पे कम क्लिक करते हैं, बहुत ही बढ़िया. अब चलते हमारे पोज नंबर टू पर. इसमें आपने क्या करना है, जैसे हम कई बार करते हैं ना ऐसे यो करके थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं, तो वही चीज अपने अपने हाथ से करनी है. एंड जो चेन होगी बस वो हमने अपने थंब के ऊपर, अपने अंगूठे के ऊपर इस तरह से हमने रख देनी है. एंड ये पिक हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली क्लिक करेंगे, बहुत ही बढ़िया. अब चलते हमारे पोज नंबर थ्री पर. ये भी बहुत ही स्टाइलिश पोज है. इसमें हमने क्या करना है, एक लेग को थोड़ा सा फोल्ड करके, जैसे हम कई बार स्टाइल से खड़े हो जाते हैं ना, एक लेग को फोल्ड करके ऐसे स्टाइल से खड़े हो जाना है. एंड जो हमारा चश्मा है वो हमने ऐसे उतारना है, ये चीज बहुत ही बढ़िया. अब चलते हमारे पोज नंबर फोर्थ पर. बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल पोजेज है एंड बहुत ही अच्छे लुक वाले हैं. इसमें हमने अगर आपकी जो जैकेट आपने पहनी है उसको आपने इस तरह से पकड़ कर थोड़ा ऊपर की तरफ कर देना एंड साइड की तरफ देखना है. इस पिक को भी हम जो क्लिक करेंगे वो कैमरा को अपना थोड़ा सा टेढ़ा करके डच एंगल से क्लिक करेंगे. अब चलते हमारे फिफ्थ पोज की तरफ. जैसे हम पहले पोज में ट्री के साथ लीन होकर खड़े हुए थे ना, हमने यहाँ पर एक पिलर के पास खड़े होना है. इसमें एक हाथ होगा आपके पॉकेट के अंदर एंड दूसरा हाथ होगा आपके पट के ऊपर. एंड अब इस पे को हम क्लिक करते हैं, बहुत ही बढ़िया. वैसे ये आज की वीडियो थी स्पेशली जो हेल्दी पीपल हैं, जो हेल्दी लोग हैं, जो हेल्दी बॉयज हैं, अपने फोटोशूट बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकें. तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं. सबसे अच्छी टिप, सबसे अच्छा पोज कौन सा लगा ये भी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में.